वेलकम टू बायोलॉजी एट ईस। 15 अप्रैल 2019 को नीट 2019 के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं। अगर आप में से किसी ने भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट nta.neet.nic.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिए हैं उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट सेक्शन में ये डाउट्स आए हैं कि उन लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उनके एडमिट कार्ड में काफ़ी मिस्टेक्स आई हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका सरनेम नहीं मेंशन किया हुआ है कैंडिडेट नेम में, कुछ स्टूडेंट्स के मदर्स नेम या फादर्स नेम में स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, कुछ की डेट ऑफ बर्थ नहीं करेक्ट हुई हुई है और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफरेंस डाली थी उन्हें वो एग्ज़ाम सेंटर ना मिलकर उनके एरिया से काफी दूर एग्जाम सेंटर मिला है तो उन्हें दिक्कत होगी एग्जाम देने में। तो अगर आप उन सभी में से हैं जिनके एडमिट कार्ड में मिस्टेक्स हैं, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे वो एग्जाम सेंटर से रिलेटेड मिस्टेक हो, तो आप प्लीज एनटीए की ऑफिशियल साइट को विजिट करिए। उन्होंने अपने हेल्प डेस्क पर ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कराया हुआ है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू डायरेक्ट एनटीए बॉडी के मेंबर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में वो ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा रही हूँ। इनकी ईमेल आईडी एनटीए की ऑफिशियल ईमेल आईडी है neet.ug.nta@nic.in और इनका फोन नंबर है 8076535482। एक और नंबर है 7703859909। तो ये दोनों फोन नंबर और ईमेल आईडी है जिनके जरिए आप एनटीए की बॉडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मेल ना भेजकर डायरेक्ट फोन से उन्हें कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि मेल का रिस्पांस आपको मिलने में, मेल का रिप्लाई आपको मिलने में क्या पता टाइम लग सकता है। तो नीट का एग्जाम पास है, अगर आपको कुछ भी चेंजेस कराने हैं अपने एडमिट कार्ड में, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम सेंटर चेंज करवाना है, तो आप जल्द से जल्द इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। If you like this video, do hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you so much for watching.